खबर जैसलमेर से। ग्रामीण इलाके में निजी कंपनियों के सहयोग से सरकारी स्कूल को मिले सपनों के पल। पिछले लंबे समय से शिक्षण संस्थानों को हर जगह पनप रही निजी कंपनी कुछ न कुछ भामाशाह बन कर्ज के लिए आगे आ रही है। इसी के चलते पिछले लंबे समय से ग्राम पंचायत डांगरी मुख्यालय पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डांगरी में कोई न कोई कंपनी भामाशाह बनकर सहायता हेतु आगे आती है, जिसमें हर सुविधा के लिए कंपनी खर्च वहन करती रहती है। सोमवार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डांगरी में हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया के तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, कोविड-19 पर्यावरण जागरूकता, बच्चों के संस्कार में निर्माण, बालिका सुरक्षा एवं शिक्षा इत्यादि विषय पर गहन चर्चा की गई। सरिता योगी टीम सदस्य का संप्रेषण अति सुंदर रहा। विद्यालय सहभागिता बनी रही। चर्चित समस्त मुद्दों पर निबंध, चित्रकला, क्विज प्रतियोगिता का आयोजन पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त बालक बालिका को हैबिटेट फॉर इम्यूनिटी इंडिया की टीम प्रभारी श्रीमती सरिता योगी द्वारा पुरस्कृत किया गया। विद्यालय स्वच्छता हेतु सामग्री उपलब्ध कराए गए। प्रधानाचार्य हुक्माराम गोयल द्वारा विद्यालय में टीन शेड निर्माण, स्मार्ट क्लासरूम में प्रोजेक्टर, मैं कंप्यूटर, विद्यालय भवन में पेंटिंग, मून ड्राइंग कार्य, स्ट्रांग रूम निर्माण, फर्नीचर इत्यादि सुविधा मुहैया कराने का प्रस्ताव रखा। विद्यार्थियों में मिले मिष्ठान का वितरण किया गया। अंत में प्रधानाचार्य उपमाराम गोयल द्वारा आभार जताते हुए निवेदन किया गया कि इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन प्रत्येक विद्यालय में किए जाने की जरूरत बताई गई।